कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री पर की है अभद्र टिप्पणी। शेख हुसैन ने पीएम मोदी की मौत की बात कही है। प्रधानमंत्री के लिए शेख हुसैन ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम पर टिप्पणी को लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। नागपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं शेख हुसैन। राहुल गांधी की ईडी से चल रही पूछताछ के खिलाफ कल भी दिल्ली सहित कई राज्यों में हंगामा और प्रदर्शन हुआ था। नागपुर में तो कांग्रेस के एक नेता इतना आपा खो बैठे कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। नागपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुके शेख हुसैन ने क्या कहा, जरा सुनिए। वही हाल होगा, क्या बोलेंगे, ऐसे ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 100 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। शेख हुसैन की टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज ये बोला गया तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। आवेश में दिए गए बयान के बाद हुसैन पर एफआईआर दर्ज की गई तो शेख साहब की शेखी निकल गई। बोले उन्होंने सिर्फ मुहावरा बोला था। मैंने तो ऐसा कोई एफआईआर होने वाली बात ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा, और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। शेख हुसैन ने कहा कि उन्होंने पीएम की गरिमा पर हमला नहीं किया, लिहाजा वो माफी नहीं मांगेंगे। और शेख हुसैन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार उन्होंने किया है, और कांग्रेस नेता का बयान कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने साफ किया है कांग्रेस पार्टी अब हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। नीति में आप अपनी विचारधारा अपने विचार इनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपनी गंदी मानसिकता को गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार नहीं दो बार पहले से ज्यादा सीटों से जिताकर भेजा है। भारत को आपदा के समय भी मजबूत नेतृत्व देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 193 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन, 28 महीने से ज्यादा समय दिया, ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 विद्यार्थियों को विदेशों से बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज विदेश मंत्री जी भी सौभाग्य से साथ में हैं, और ये भली भांति जानते वो आसान नहीं था। 5 देशों में अपने मंत्रियों को भेजकर वहां से बच्चों को युद्ध की भूमि से बाहर निकालना बहुत चिंता का विषय था, लेकिन उनके बारे में खराब टिप्पणी करना एक कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश निराश है और छटपटाहट बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस बयान पर चौतरफा हो रही आलोचना के बाद शेख हुसैन ने अपने बयान से ही किनारा कर लिया, लेकिन साथ में पीएम मोदी के पुराने बयानों की भी उन्होंने याद दिलाई। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते, कोई पूर्व माइनॉरिटी का पूर्व अध्यक्ष किसी जिले का कुछ बोल दे, उसको ये लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। और देश का प्रधानमंत्री हल्की जबान में, हल्की भाषा में सोनिया जी के लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, या शशि थरूर जी के लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जानबूझकर इस तरह के बयानों को लेकर उछाला जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और मीडिया को कहकर ये इस पर डिबेट्स कराई जाती हैं ताकि असली मुद्दा दब जाए। आपके नेता तो रहे हैं, बयान तो दिया है उन्होंने। हमने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि भैया ऐसे किसी बयान से हमारा कोई लेने देना नहीं। एक और नेता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, इस तरह की अभद्र भाषा सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी इस तरीके के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी भी जो हम इस तरीके के बहुत अनाप शनाप बातें जो हम पास्ट में कहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कुछ भी कह दे। इसको हम लोगों ने पार्टी की तरफ से कंडम भी किए हैं, वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी लाइन का नहीं है।